हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नम पाई पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग, निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, हम लोग किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग को जो एलिमेंट है लास्ट से हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं, मतलब माइनस में इंडेक्स वैल्यू को देते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक हम लोग ने 2D एरे क्रिएट करेंगे, नम पाई डॉट एरे 1, 2, 3, 4, 5 इसकी वैल्यू देंगे, और 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा क्या हुआ, 2D एरे क्रिएट हो गया। हम लोग चाहते हैं क्या है कि लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं फ्रॉम सेकंड डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन कौन सा है आपको बताया हम लोग ने, अगर अपनी लैंग्वेज समझते हैं क्या है, ये फर्स्ट डायमेंशन है जो हमें 1, 2, 3, 4 और 5 दिया है, ये हमारा वन डायमेंशन है, और 6, 7, 8 और 9, 10 क्या है, हमारा सेकंड डायमेंशन है। तो हम लोग चाहते हैं क्या है, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं कौन से डायमेंशन में, सेकंड डायमेंशन में। ठीक, सेकंड डायमेंशन लास्ट एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कराएंगे। कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंट में, सॉरी प्रिंट में हम लोग वेरिएबल देंगे। वेरिएबल में क्या देंगे, सेकंड इंडेक्सिंग की बात करें, सेकंड इंडेक्सिंग मतलब वन, जो पहले हम लोग क्या देते हैं कभी भी एक्सेस करते हैं, अगर 2D, अगर 1D की बात हो तो डायरेक्टली आप इंडेक्सिंग वैल्यू दे सकते हैं। अगर किसी 2D या 3D की बात कर लें, सबसे पहले क्या होता है, डायमेंशन की बात होती है। पहले हम लोग देते क्या डिफाइन करते हैं, डायमेंशन डिफाइन करते हैं कि डायमेंशन में हम लोग जाना है। तो हम लोग बात किस, अगर हम लोग इसकी बात करें, हम लोग लास्ट एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं किससे, सेकंड डायमेंशन के। सेकंड डायमेंशन में जाने के लिए हम लोग क्या दिए वैल्यू, पहले वन दिए। हम लोग किसमें पहुंच गए, इस ब्लॉक में पहुंच गए, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक में पहुंच गए, सेकंड डायमेंशन में हम लोग पहुंच गए। हम लोग कौन सा एलिमेंट इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या देंगे, -1 देंगे। अभी कभी भी आप अगर हम लोग स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से करें इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे एक्सेस होती है, 0, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम लोग लास्ट से बात करें, हमेशा इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है -1 से स्टार्ट होती है। ठीक, 0 से नहीं स्टार्ट होती, लास्ट एंडिंग में 0 से इंडेक्स वैल्यू कभी भी स्टार्ट नहीं होती, वो होती हमेशा -1 से। तो हम लोग -1 डालेंगे और इंटर करेंगे, तो हम लोग 10 की वैल्यू को एक्सेस कर लिए। अगर हम लोग इसी में सेकेंड लास्ट एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल नेम देंगे और सेकेंड एलिमेंट किससे, कौन से डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, तो हम लोग 1, -2 डालेंगे, तो हम लोग वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, क्या 9 वैल्यू प्रिंट हो गई। हम लोग जाते हैं क्या है, फर्स्ट डायमेंशन में वैल्यू 4 को क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, वैल्यू 4 मतलब ये 4, और कौन से डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन में। तो क्या डालेंगे हम लोग, प्रिंट एरे नेम, ओ सॉरी वेरिएबल नेम, इसमें कौन से डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन मतलब 0 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और कौन सी वैल्यू, 4 को, 4 किस पे है, इंडेक्स 2 -2 पे, मतलब -2। इंटर करेंगे हम लोग, 4 वैल्यू प्रिंट हो गए। 4 वैल्यू कहाँ है, डायमेंशन 1 में, और इंडेक्स वैल्यू क्या है, -2। तो हम लोग ने 4 वैल्यू को एक्सेस कर लिया निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्लाइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि नमपाई में नमपाई एरे स्लाइसिंग, स्लाइसिंग एरे होता क्या है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं स्लाइसिंग एरे, सॉरी पहले डालते हैं नम पाई एरे स्लाइसिंग, देन फिर एक हेडिंग डालेंगे स्लाइसिंग एरे, तो स्लाइसिंग एरे है पाइथन में। क्या करता है, इसका मीनिंग होता है, एक एलिमेंट लेते हैं फ्रॉम एक गिवन इंडेक्स से टू अनदर गिवन इंडेक्स। एक डिफरेंस की बात करें, स्लाइसिंग इन पाइथन मींस टेकिंग एलिमेंट फ्रॉम वन गिवन इंडेक्स टू अनदर गिवन इंडेक्स। तो हम लोग ये इसकी डिफिनेशन हो, कैसे इसको पास करते हैं स्लाइसिंग के, तो इसको पास करने के लिए आपको पहले, जो अगर स्लाइसिंग की बात करते हो, होती है दो चीजें, पहले स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है, और दूसरा अगर इसको डिफाइन करते हैं स्टेप से भी, तो अगर हम लोग एक हैंग डालें, पहले हम लोग स्टार्ट इंड और इंड की बात करेंगे स्लाइसिंग में, इसमें डालते हैं स्टार्ट, इसी तरह होता है, डिफाइन करते हैं स्टार्ट और इंड डालते हैं। ठीक, ये होता है पहले चीज। अब इसी की बात करेंगे, हम लोग एक एरे लेते हैं और इसमें हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, 1D एरे क्रिएट करते हैं, एरे
में भरे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक देते हैं वैल्यू और प्रिंट करेंगे। प्रिंट में क्या करेंगे हम लोग पहले वेरिएबल देते हैं, अब इसके अंदर प्रिंट क्या करेंगे, इसमें क्या वैल्यू लिखेंगे। स्लाइसिंग हमेशा स्टार्ट होता है जब हम लोग स्लाइसिंग पास करते हैं, ओ इंडेक्सिंग वी पास स्लाइसिंग इंस्टेड ऑफ इंडेक्सिंग लाइक दिस। अगर हम लोग इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करने का कैसे पास करेंगे तो हम लोग दो चीज पास होती है स्टार्ट और एंड। हम लोग ऊपर डिफाइन कर लिया है हेडिंग के थ्रू, स्टार्ट और एंड यूज करते हैं किसके स्लाइसिंग के थ्रू। तो हम लोग स्टार्ट वैल्यू देंगे किससे, वन से, और हम लोग एंडिंग वैल्यू देंगे, अगर मान लीजिए एंडिंग वैल्यू दे दी हम लोग ने 5, मतलब इंडेक्स वैल्यू 1 से कहां तक इंडेक्स वैल्यू 2 किससे, फ्रॉम फॉलोइंग एरे। एरे क्या है हमारे पास, जो एरे हमारे पास गिवन है 1 से 7 तक, इसको हम लोग प्रिंट कर लें। तो हमारा वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो, कैसे हो गई, स्टार्टिंग इंडेक्स कहां था 1 से, मतलब 1 पे, मतलब 2, 1 को छोड़कर 2 3 4 5 6 सॉरी कहां तक, 5 तक, मतलब 5 तक। मतलब आपको पता, हमेशा याद बता दें कि स्लाइसिंग में अगर जहां से स्टार्ट करते हैं वो वैल्यू को छोड़कर जो एंड करते हैं वहां तक वैल्यू को प्रिंट करता है। अगर एक और एग्जांपल ले इसमें, प्रिंट करें, प्रिंट कर लेते हैं 2 से कहां तक, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2 और एंडिंग वैल्यू गिवन देते हैं हम लोग मान लीजिए 6 देते हैं, तो क्या है 2 को छोड़कर 6 तक सारे एलिमेंट को क्या कर लेगा, प्रिंट कर देगा। देखिए 2 को नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग चीज को ये प्रिंट नहीं करता है। अगर हम लोग इसी में बात करें कि मान लीजिए हम लोग स्टार्टिंग दे दें, एंडिंग ना दे, तो क्या होगा, तो क्या करेगा उस एलिमेंट को जो स्टार्टिंग को छोड़कर बाकी जितने उसमें एरे होंगे एलिमेंट होंगे वो सबको प्रिंट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एरे देते हैं और एक देंगे मान लीजिए हम लोग ने 2 दिया, 2 के बाद सब एक कोलन लगा के एंडिंग हम लोग ने वैल्यू इंडेक्स वैल्यू दे ही नहीं, तो क्या होगा 2 के बाद जितने एलिमेंट होंगे सबको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू ना दें, इंडेक्स वैल्यू एंडिंग वैल्यू दे दें तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए एरे करते हैं, एरे में हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, सीधा हम लोग सेमी कोलन लगाते हैं और सीधे इंडेक्स एंड वैल्यू दे देंगे। एंड वैल्यू मान लीजिए 5 दे दी, तो क्या होगा, हमेशा याद रखेगा इसको प्रिंट कर लेगा, कहां तक प्रिंट कर लेगा, सारी वैल्यू को प्रिंट कर लेगा। कैसे प्रिंट करेगा, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि अगर स्टार्ट में जहां से स्टार्ट करेंगे उस वैल्यू को छोड़कर सब वैल्यू को प्रिंट कर लेता है, बट अगर हम लोग एंडिंग में उस वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं तो सारी वैल्यू कैप्चर कर लेता है, जो एंड वैल्यू देंगे उसको भी प्रिंट कर लेता है। तो हम लोग ने एंड वैल्यू क्या दी थी, 5 दी थी, बट हम लोग ने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी थी तो क्या किया इसने, स्टार्टिंग वैल्यू से एंड वैल्यू को भी इंक्लूड करके क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इसी बात कर लेते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है, हेडिंग डालते हैं एक, नहीं चलिए बात करते हैं इसी में नेगेटिव स्लाइसिंग छोड़कर कि जो हम लोग स्टेप की बात कर लेते हैं, पहले क्या होगा स्टेप की स्लाइसिंग में एक और चीज होती है स्टेप, तो स्टेप की बात कर लेते हैं। स्टेप क्या होता है, अभी तक हम लोग ने जाना कि स्लाइसिंग में स्टार्ट और एंड होता है, बट हम लोग स्टेप को मतलब मान लीजिए कि ट्रेन है एक, और तो अगर हम स्टार्टिंग एंड दे रहे थे तो हम लोग एक ट्रेन क्या होते थे, एक स्टेशन पर रुकते थे, फिर दोबारा स्टेशन जो आता था उस पर रुकते थे, तीसरा स्टेशन आता था उस पर रुकते थे, बट हम लोग जो स्टेप को यूज करेंगे इसका मतलब होता है कि एक ट्रेन एक स्टेशन को छोड़कर या दो स्टेशन को छोड़कर तीसरे स्टेशन पर रुक जाती है। हम चाहते हैं कि वो ट्रेन 5 स्टेशन छोड़कर आगे रुक जाए, छठे स्टेशन रुक जाए, वो भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि अगर एक स्टेशन से चली तो पहले स्टेशन छोड़ सेकंड स्टेशन को ना स्टेशन पर ना रुके और थर्ड स्टेशन पर रुके, हम लोग उस वो चीज करते हैं किसके थ्रू, स्टेप के थ्रू करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देंगे, मिलीसेकंड स्टार्ट देते हैं, उसके बाद एंड देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, फिर देते हैं स्टेप देते हैं। ये प्रोसेस होता है इसका, किसका, स्टेप कैसे यूज करते हैं। चलिए एक एरे लेते हैं, एरे लिया हम लोग ने numpy dot array, वैल्यू पास किया हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वैल्यू पास कर ली। अब बात करते हैं इसमें कैसे इसको करेंगे, प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट में एरे, एरे में हम लोग वैल्यू देंगे, हम लोग क्या देंगे, कहां से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग वैल्यू क्या देंगे, 1 से स्टार्ट हो, कहां तक एंड हो, 5 तक, 5 तक एंड हो, बट क्या हो,
दो स्टेप छोड़कर, ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग दो को प्रिंट कर लेंगे, अब दो डाल देंगे, कितने स्टेप छोड़ेंगे, दो स्टेप, तो क्या किया 2 4 प्रिंट किया, कैसे प्रिंट किया बताते हैं आपको। हम लोग ने क्या दिया वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 1 दिया, 1 दिया तो क्या किया इसने 2 को प्रिंट कर लिया, 2 के बाद दो एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू को छोड़ दिया, कितने हम लोग ने स्टेप दिया था 2, मतलब दो वैल्यू को छोड़ दे, क्या वैल्यू छोड़ देगा 3 को छोड़ देगा, क्या प्रिंट कर लेगा 4 को प्रिंट कर लेगा। ठीक, अगर इसी तरह हम लोग बात करें एक और, प्रिंट में 1 इंडेक्स वैल्यू दी और स्टार्टिंग दी एंड, और सॉरी वेरिएबल नेम दिया और 1 स्टार्टिंग वैल्यू और 8 एंडिंग एंडिंग वैल्यू, और कितने स्टेप दिए, दो स्टेप दिए, दो स्टेप मूव कर जाए, प्रिंट करेंगे तो हम लोग दो स्टेप मूव कर गए 2 4 6 8, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, 1 2 को एक स्टेप छोड़ दिया, ये पूरा स्टेप छोड़ दिया, और कहाँ मूव कर गया 4 पे मूव कर गया, फिर 5 को छोड़ दिया, 6 पे मूव कर दिया, 7 को छोड़ दिया, 8 पे मूव कर गया। अगर इसी में हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 डाल देते हैं, तो ये क्या कर, दो दो वैल्यू छोड़ देगा, 2 है तो 3 4 को छोड़ दिया, 5 प्रिंट कर लिया, 6 7 को छोड़ दिया, 8 प्रिंट कर लिया। ठीक, ये होता है स्टेप। अब क्या आप समझ सोच रहे होंगे कि हम लोग ने 2 स्टेप दिया था तो इसने खाली एक ही स्किप की, तो क्या अगर आप 1 1 देंगे तो क्या वो तो पूरी वैल्यू ही प्रिंट कर लेगा ना, तो 1 स्टेप मतलब एक स्टेप तो आगे जाएगा ही, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो वो तो 1 पे हो गया, एक एक स्टेप बढ़ता चला गया, 2 स्टेप मतलब एक स्टेप छोड़ के दूसरे पहुंच जाए, ठीक, 3 स्टेप का मतलब दो वैल्यू को छोड़ के तीसरे पे पहुंच जाए। ठीक, अगर 4 देते हैं डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 4 पहुंच जाएगा, जैसे कि प्रिंट में देंगे हम लोग, प्रिंट में वेरिएबल दिया, इसमें हम लोग वैल्यू पास की क्या, 1 स्टार्टिंग वैल्यू पास की और मान लीजिए 8 एंडिंग वैल्यू पास की, अगर हम लोग इसमें 4 की बात करें तो 3 वैल्यू को छोड़ के ये आगे बढ़ जाएगा, तो 3 वैल्यू क्या है, 2 और 6 आगे कैसे आ गई, 2 स्टार्टिंग वैल्यू कहते हैं 1, तो इसको छोड़ के यहाँ 2 को प्रिंट करेगा और 3 वैल्यू छोड़ देगा, 3 4 5 छोड़ देगा, क्या प्रिंट करेगा 6 6 को, उसके बाद 3 वैल्यू छोड़ देगा, 3 वैल्यू है ही नहीं तो इसको छोड़ देगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा 2 और 6 वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे स्लाइसिंग विद निगेटिव, निगेटिव स्लाइसिंग की बात करेंगे, स्लाइसिंग विद 2D एरे की बात करेंगे।